हेलो फ्रेंड्स दिस इज क्लास फोर वर्कशीट क्लास फोर ओके क्लास फोर आई राइट हियर क्लास फोर वर्कशीट नंबर थ्री अपनी न्यू वर्कशीट की सीरीज चल रही है ओके लर्निंग एरिया में रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ना और लिखना लर्निंग पॉइंट में द लर्नर रिस्पॉन्डस है ना लर्नर जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डे टू डे लाइफ डे टू डे लाइफ का क्या मतलब होता है जो हमारा जो रोज की लाइफ होती है डे टू डे लाइफ मतलब जो रोज़ हम करते हैं ठीक है ना डेली लाइफ जो हमारी होती है उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है किससे रिलेटेड क्वेश्चन है डे टू डे लाइफ से डे टू डे लाइफ का मतलब मैंने क्या बताया जो डेली हमारा जो होता है जो काम करते हैं उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो हमारा काम है उसके क्वेश्चन से ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको क्या करना है आंसर द फॉलोइंग डू यू लाइक द टू ड्रिंक नींबू पानी क्या पूछा है डू यू लाइक टू ड्रिंक नींबू पानी क्या आप नींबू पानी पीना पसंद करते हो ये डू का यूज जब होता है ना डू और डस डू और डॉड या आपको पूछ ले इज एम आर ऐसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको आंसर क्या देना होता है यस और नो में आंसर किस में आएगा यस या नो में तो आपको पूछा है डू यू लाइक क्या आप पसंद करते हो टू ड्रिंक नींबू पानी नींबू पानी पीना तो यस yes. क्या यू लाइक यू मतलब आप तो yes. like. क्या बोलोगे आई लाइक क्या बोलोगे आई ये आई लिखा है मैंने यस आई लाइक टू ड्रिंक आई लाइक टू ड्रिंक यहां से पूरा आ जाएगा आई लाइक टू ड्रिंक नींबू पानी क्या आएगा नींबू पानी आप पीना पसंद करते हो ना तो यहाँ फुल स्टॉपिक क्वेश्चन है ना तो यहाँ आपने गैस लगाया फिर कॉमा लगाया फिर आप लिख दोगे यू की जगह आई डू की जगह आपको आंसर करना है है ना हेल्पिंग वर्ब की जगह आंसर फिर यू की जगह अपने अपन से पूछा है ना हमसे पूछा है तो वी विल आंसर आई आई, आई लाइक टू तो ड्रिंक नींबू पानी यस आई लाइक टू तो ड्रिंक नींबू पानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स मतलब सामान मेन यानी मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट सामान मेन इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड जरूरी हैं रिक्वायर्ड यानी जरूरी है फॉर प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग यानी बनाने में नींबू पानी को जब भी आपको नींबू पानी बनाना है या प्रिपेयर करना है तो उसमें कौन कौन से मेन इन्ग्रीडियंट डाल दो दे। देखो सबसे पहले तो आप नाम ले लो लेमन का सबसे पहले तो आप एल ई एम ओ एन लेमन लेमन को आप डालोगे आप लेमन आप किस में डालोगे वाटर में तो वॉटर इज ऑल्सो मेन इंग्रेडिएंट मतलब मेन चीज़ हो गई ना तो लेमन प्लस वाटर लिख सकते हो पर ये लेमन वाटर लिख लेमन और वाटर लिख लो फिर आप क्या यूज़ करते हो थोड़ी सी शुगर क्या यूज़ करते हो शुगर और आप क्या करते हो चाहो तो थोड़ा सा सॉल्ट यूज करते हो और क्या यूज करते हो आप इसमें आई थिंक लेमन हो गया वाटर हो गया शुगर हो गया सॉल्ट हो गया आपकी इच्छा है तो आप लेमन में ब्लैक पेपर मिला लो काली मिर्ची वगैरह तो वाटर यानी पानी शुगर यानी शक्कर सॉल्ट यानी नमक लेमन को आप स्क्वीज करते हो निचोते हो ठीक है किसके अंदर निचोते हो स्क्वीज करते हो पॉट में ठीक है फिर आप थोड़ा सा उसमें शुगर यानी शक्कर डालते हो सॉल्ट यानी नमक डालते हो और उसको क्या करते हो मिक्स करते हो ठीक है तो अपना क्या बन जाता है लेमन वाटर नींबू पानी अब लेमन जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थ्री अरेंज द जंबल्ड लेटर्स जंबल्ड मतलब इधर उधर कर दिए जंबल कर दिए लेटर्स को किसको लेटर्स को टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स ये जो जंबल लेटर्स है उनको आप मीनिंगफुल वर्ड बनाना है उसके लिए क्या करना है अरेंज करना है सही से लिखना है अब देखो जे आई यू ई -E सी इससे क्या बनेगा जूस इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड बन रहा है ना जे ले लिया यू आई सी ई जूस जे यू आई सी जूस अब ये नेक्स्ट वर्ड बनेगा ड्रिंक डी आर आई एन के ड्रिंक देखो सारे लेटर एक एक बार है मैंने एक एक बार ही लिखे वन-वन टाइम अभी समर समर में देखो टू टू टाइम टाइम है तो लिखना एस यू डबल एम ई आर एग्जैक्ट वर्ड बन गया ना इससे बनेगा फ्रेश एफ आर ई एस एच फ्रेश और इससे बनेगा शुगर एस यू जी ए आ शुगर तो अपने क्या किया जो जम्बल लेटर्स है जिसका कोई वर्ड नहीं था हमने इसका क्या बनाया वर्ड्स बनाया फर्स्ट से बना जूस ड्रिंक समा फ्रेश एंड शुगर ओके जे यू आई सी ई जूस डी आर आई एन के ड्रिंक ड्रिंक यानी पीना जूस यानी जो भी लिक्विड जो आप कुछ बनाते हो मिक्स में करके कुछ तो वो जो बेवरेजेस होते हैं वो क्या होते हैं जूस वगैरह है ना तो एस यू डबल एम ई आर यानी एम एम ई आर समा समर यानी गर्मी का जो सीजन होता है वो एफ आर ई एस एच फ्रेश फ्रेश यानी ताजा एस यू जी ए आर शुगर यानी शक्कर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ लेमन यानी नींबू नींबू का आपको क्या बनाना है लेमन का एक पिक्चर एंड कलर इट आप कोई भी ऐसे बना लो इस तरह से लेमन का थोड़ा सा इस तरह से बनाया इस तरह से बनाया इस तरह से आपने बना दिया हल्का सा नीचे से होता है ना तो ये आपने लेमन का बना लिया अब इसमें आप येलो कलर कर लोगे कौन सा कलर करोगे येलो कलर ओके जो बनाना का कलर होता है ना लेमन का कलर आप देखोगे घर पे कि लेमन का कलर कैसा होता है और आपका जो कलर पेन होगा उसको आप निकाल के इसमें कलर करोगे बना के ओके तो इस तरह से आज अपना हो गया अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो सब्सक्राइब करो जिससे मैं डेली जो वर्कशीट बना रही हूँ आपको मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी ओके थैंक यू